साउथ इंडियन बैंक, मैंने 37.30 रुपए में 1000 शेयर बाइंग की थी, तो ये नीचे आ गया। मुझे राइट इशू में बैंक ने 250 शेयर और दिए। तो सर क्या कर रहे हैं? सर आपने ले लिए राइट्स वाले, अप्लाई कर दिया? हाँ अप्लाई हो गया, मुझे राइट इशू के शेयर मिल गए हैं, 250 शेयर मिले मुझे। ओके, तो अब हो गए 1250 कि ये सब मिला गया जा रहा है। हाँ सर 1250 हो गया, लेकिन शेयर 29.10 रुपए आ गया था। ओके, तो अगर वाला 250 का प्राइस भी एडजस्ट करो थोड़ा और नीचे नहीं आएगा? हाँ ओके, चलिए बातचीत करते हैं माना जी से। माना जी, ये साउथ इंडियन बैंक 37.30 रुपए पर इन्होंने लिया, अभी चल रहा है 29.10 रुपए, इस पर बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग बुलिश थे, स्टॉक ने परफॉर्म भी किया, 11 रुपए की जर्नी इसकी शुरू हुई थी, अभी 37 पे इन्होंने लिया है, क्या इनको बने रहना चाहिए स्टॉक में? तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, अभी भी स्टॉक में का जो अंडरटोन है वो बुलिश बना हुआ है। करीब 5-6 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, अंडरटोन बुलिश है, इसलिए मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर आप बने रहिए, टाइम फ्रेम बड़ा रखिए, कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम रख के चलिए। स्टॉप लॉसेस आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, 24 रुपए के ऊपर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तो 24 रुपए के नीचे ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जो जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख लग रहा है कि शायद आने वाले समय में आपको 42-45 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखा जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन 24 के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना।